हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पाठ नंबर 2 वर्ण विचार करने जा रहे हैं। कुछ खास बातें हैं जिनको हम जान लेते हैं। सबसे पहले वर्ण के बारे में जानेंगे। जब हम बोलते हैं तो वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों को शब्दों से ही बनाया जाता है। शब्दों को बनाने के लिए वर्णों का सहारा लिया जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। उसके बाद में वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है जिसमें वर्णों को सही क्रम में रखा जाता है। हिंदी की मानक वर्णमाला, सबसे पहले स्वर के बारे में जानते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में मैं बता चुका हूँ। अ, आ, ए, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 होते हैं। अयोगवा है अंग और अह, इनको वर्णमाला में गिना जाता है परंतु स्वरों में नहीं। व्यंजन क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। तो ये सारे व्यंजन हैं। कैसे लेकर के है तक? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष त्र ज और स्र। उसके बाद में आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ। आगत ध्वनियाँ अ ज फ, इनको वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट, वर्ण के प्रकार। मानक वर्णमाला के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं वर्ण। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवा है। तो स्वर की सबसे पहले परिभाषाएं जान लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं और हिंदी में ये 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्षस्वर, दीर्घस्वर, प्लुतस्वर। हर्षस्वर में इस प्रकार के स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये संख्या में 4 होते हैं, ए, उ, री। उसके बाद में दीर्घस्वर, दीर्घस्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है। ये संख्या में 7 होते हैं, अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद में प्लुत स्वर, प्लुत स्वरों को बोलने में तिगना समय लगता है, जैसे ओम, राम। नोट, कुछ नीचे कुछ खास चीजें दी गई हैं। आ की कोई मात ए ए की कोई मात्रा नहीं होती। इस प्रकार से छोटे ऊ की मात्रा जैसे रे के साथ में यूज करते हैं या प्रयोग में लेते हैं तो किस प्रकार से उसका होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे नीचे दिया गया है। र और उ, रु, र और उ, रु। री का उच्चारण री री की तरह होता है। री का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों के लिए होता है। नेक्स्ट हम करते हैं व्यंजन। तो व्यंजन कैसे है तक हमने पीछे अभी पढ़ा है, उसकी हम परिभाषा जान लेते हैं कि व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से टकराकर निकलती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग, कंठ या होठ पर स्पर्श करती है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या है वो 25 है। इनको हमने
पांच भागों में बांटा है। सबसे पहला क वर्ग, उसके बाद में ख वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत आते हैं क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ। ट वर्ग के ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। लास्ट वाले जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सर्किल में मैंने किया हुआ है, वर्ग का अंतिम वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। इनके जो बोलने का जो स्थान है, जैसे कैवर्ग है, जो इनका स्पर्श स्थान है वो जान लेते हैं। कैवर्ग का कंठ स्थान होता है, ख का तालु स्थान होता है, मूर्धा टैवर्ग का होगा दंत, तैवर्ग का होगा पै का ओष्ट होगा। नेक्स्ट अपना आता है उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को नहीं स्पर्श करती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी चार है, य र ल व। उसके बाद में उष्म व्यंजन, यानी गर्मी वाले, जिससे जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं तब हमारे मुख से जो गर्मी निकलती है, तो पहले परिभाषा जान लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की रगड़ के कारण मुख से गर्मी निकलती है, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में चार होते हैं, श श स ह। नेक्स्ट आता है अपना अयोग वाह है। अयोग वाह का अर्थ होता है ए के योग से आह्वान करना। इसके दो भेद दिए गए हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे अंत चंचल। उसके बाद में विसर्ग, इसका उच्चारण है की भांति होता है, इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे अतः स्वतः। उसके बाद में आती है आगत ध्वनियाँ। विदेशी भाषा से हिंदी में आई ध्वनियों को हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे अ ज फ, डॉक्टर, बाजार, रफ्तार इसके उदाहरण हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, ड और ढ, ये सारे उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। इनके द्वारा किसी शब्द का आरंभ नहीं होता है, इन्हें हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, परंतु इनका प्रयोग शब्दों के निर्माण में अवश्य किया जाता है, जैसे सड़क, पढ़ाई। नेक्स्ट आता है संयुक्त व्यंजन। जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या चार है, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र श्रमिक। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कक्षा, पत्र, ज्ञान और श्रम। नेक्स्ट अपना आता है द्वितीय व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन का सामान्य स्वर रहित व्यंजन का सॉरी स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, जैसे बच्चा, दिल्ली, पक्का। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तो संयुक्ताक्षर शब्द कहलाते हैं, जैसे प्यारा, त्योहार, स्वाद, त्याग। उसके बाद में आता है अपना वर्ण विच्छेद। शब्दों के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वन स्वरों के जो आपने पीछे पढ़ा था, उसके बाद में जो व्यंजनों के बीच है या नीचे हलंत लगता है, जैसे मन, इसमें दे रखा म, अ, न, अ। नेक्स्ट कुछ खास चीजें हैं, उनको हम जान लेते हैं। स्वरों के विशेष चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। शब्दों के सार्थक विन्यास और कर्मानुसार लिखना ही वर्तनी कहलाता है। वर्ण विच्छेद से उच्चारण व वर्तनी की अशुद्धियां दूर की जा सकती है। हिंदी भाषा में 11 स्वर, 11 स्वर हो गए, उसके बाद में 33 व्यंजन होते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उनको समझना है। जय हिंद, जय भारत।